हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शारदा पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बरसती रहे ऐसी कामना करती हूँ। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की पूजा करें, आराधना करें, उनकी पूजा में लीन रहें, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि जितना आप प्रदोष का पूजन करते हैं, जितना शिवरात्रि का पूजन करते हैं, उससे भी बड़ा महत्व सावन महीने का है। और जो भी शिव भक्त होते हैं सावन महीने का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की दया से हम सब सही सलामत हैं और वो समय आ चुका है और सभी शिव भक्त अपने अपने तरीके से शिव जी की पूजा में, आराधना में लीन होंगे। कोई किसी प्रकार का अनुष्ठान करा रहा होगा, कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है, इन सारी पूजा पाठ के बीच जाने अनजाने हम कोई गलतियाँ करते हैं। देखिए, वैसे तो हमारी गलतियाँ भोलेनाथ की नज़रों में क्षम्य होती हैं, क्योंकि हम बहुत अबोध बालक हैं, हम छोटे से बालक हैं और वो हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, तो क्षम्य होती है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, कुछ ऐसी इस प्रकार की गलतियाँ होती हैं जो कि क्षम्य नहीं होती हैं, जिससे भोलेनाथ को बहुत अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है। और इस गलतियों की सज़ा यदि हम करते हैं तो इस जन्म में तो छोड़िए, अगले जन्म में ही हमें इसका प्रायश्चित भुगतना पड़ता है। तो बहुत बड़ी गलती है, क्या है उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें। आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिल देते हैं। एक चीज़ और बताऊँ, आपके इतने अच्छे, मतलब इतने पॉजिटिव, इतने सकारात्मक कमेंट सुनकर मन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप सभी इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इस तरह का प्रेम बनाए रहिए और मैं दिल से आभारी हूँ इसके लिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की जो एकदम शास्त्रों की जानकारियाँ हैं वो आपको मिलेंगी। पहली चीज़ दोस्तों कि जब आप पूजा आराधना कर रहे होंगे, और हर कोई आजकल करता ही करता है, तो एक काम आप देखिएगा, किसी भी स्थिति में, मैं बता रही हूँ आपको, पूरे दावे के साथ बता रही हूँ कि आपको कोई चाहे कितना उपाय बताए कि सरसों का तेल जो है शिवलिंग पे चढ़ाइए, लेकिन ये मारण प्रयोग है। मैं बार बार आपको कहती हूँ, सरसों के तेल से अभिषेक होता है शत्रुनाश के लिए, लेकिन उस स्थिति में जब आपके प्राणों पे संकट आ जाए, आप समझ रहे होंगे, उस स्थिति में जब हमें ऐसा लगे कि अब शत्रु हमारे प्राणों को ले लेगा, यानी हमारी जान जाने वाली हो, उस स्थिति में हमें तेल का अभिषेक करना चाहिए। ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, आपने जहाँ से भी सुना, जो भी किया आपने, लेकिन एक चीज़ समझिए, तेल का जो सरसों का तेल होता है उसका शिवलिंग से स्पर्श मत होने दीजिए। आप इस जन्म में तो छोड़िए, अगले जन्म में भी पाप के भागी बनते हैं, तो सरसों का तेल शिवलिंग पे उसी समय स्पर्श होना चाहिए जब जो है आपके जीवन पे, प्राणों पे संकट आया हो। तो नहीं तो एक चीज़ और समझिए, ये मारण प्रयोग है, इसका उल्टा, यानी कि जो आपकी ज़रूरत है वो तो होगा, लेकिन वो उसका उल्टा प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। आपने भी मारण प्रयोग का नाम सुना होगा। मारण प्रयोग का मतलब कि जो करने वाला होता है या जो इस तरह के कार्य करता है उसके ऊपर भी घातक होता है मारण प्रयोग। तो इसलिए इस तरह के कार्य को बचिए, क्योंकि सावन में बहुत सारे लोग इस तरह के कार्य करते हैं। तो इसलिए आप मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा है, बहुत ज़रूरी है आपको इस वीडियो को जानना, सुनना, देखना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बार बार कहती हूँ, कोई ऐसी गलती आपसे ना हो जाए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, ये सारी चीज़ें तो आप करते भी हैं, मुझे कहना भी नहीं है। और आप इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरा नंबर है, जिस पे किसी भी प्रकार का कोई, जैसे कुंडली दिखाना हो, पूजा पाठ नहीं लग रहा हो, तो इस स्थिति में ही कॉल किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि फ़ोन आएगा तो उठाने, जो फ़ोन उठाते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा इरीटेट होने लगते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं वीडियो में आपको पूरी तरह से हर चीज़ें, एक एक चीज़ समझा करके, कोशिश मेरी रहती है, प्रयास रहता है कि मैं बता दूँ, और ये भी प्रयास रहता है कि मैं आपके कमेंट का आंसर दूं, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत चल रही हैं, मुझे बहुत कम समय मिल पाता है, इस कारण मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने में असमर्थ हूं, तो क्षमा कीजिएगा इस बात के लिए, मैं पूरे दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। अब चलिए अगली चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जब कभी आप जो है शिवलिंग का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, उस समय आपको बिल्वपत्र की आवश्यकता लगती है। तो देखिए, बिल्वपत्र कभी भी सोमवार, प्रदोष, इन तिथियों में नहीं तोड़ा जाता है। बेलपत्र आप ये भी जानते हैं 6 महीने तक बासी नहीं होता। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम 1 महीने का ही बेलपत्र तोड़कर लाए, फ्रिज में रखे और रोज़ उसी में से चढ़ा रहे, ये विपरीत परिस्थितियों के लिए बताया गया है कि बेलपत्र जहाँ नहीं मिल पाता है, उपलब्ध नहीं है, वहाँ आप इस तरह का कार्य करें। यदि बेलपत्र ताज़ा मिल जाता है तो 2-3 दिन रखें, बाकी
तीसरे दिन चौथे दिन जो है आप पुनः नया बेलपत्र लाएं, साफ करके बहुत अच्छी तरह से भोलेनाथ को चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखिए। और एक चीज़ और बताने जा रही हूँ जिस पे विशेष आप ध्यान रखिएगा, जो कि मैं देखती हूँ, आप भी यदि इस तरह के कार्य देखते हों तो ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग बेलपत्र तोड़ने जब जाते हैं तो जो टहनी होती है बिल्व वृक्ष की, वो पूरी टहनी, जो छोटी टहनी बड़ी टहनी होती है, वो तोड़ कर लेके चले जाते हैं कि घर पर चल के आराम से एक एक पत्तियाँ अलग करके तोड़ेंगे, पूरी टहनी तोड़ देते हैं। तो ऐसा कार्य यदि कोई भी करता है तो निश्चित रूप से वो जितना बेलपत्र चढ़ाएगा, पूजा करेगा, कभी भी उसको पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि बिलो वृक्ष सिर्फ वृक्ष नहीं है, देवादिदेव महादेव का निवास स्थान भी माना जाता है, उनका वास माना जाता है बिलो वृक्ष पे। तो गलती से उनकी टहनी तोड़ना, वृक्ष को किसी भी प्रकार हानि पहुँचाना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो पूजा पाठ करिए मत करिए, लेकिन इस तरह के कार्य तो गलती से भी मत ही करिए। अब चलिए अगली बात कर लेते हैं कि अगला आपको क्या करना है। एक चीज़ का और ध्यान दीजिए कि शिवलिंग पर जो आप चढ़ाते हैं तुलसी पत्ता, बहुत ज़्यादा कमेंट इस तरह के आते हैं कि चतुर्थी पे चढ़ाएं, ये वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन तिथि का ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि आज चतुर्थी तिथि ही है, तो आप तुलसी मंजरी तुलसी पत्र चढ़ाएं। और एक चीज़ और आपको जानना चाहिए, सिर्फ चीज़ों को हवा में जानकर कोई उपाय नहीं करना चाहिए। जो आप तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं भोलेनाथ को, वो दरअसल चढ़ाया जाता है नारायण को, उनके नाम से ही आज के दिन शिवलिंग पे पूजा होती है। देखिए बातें तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं आपको बता देना उचित समझती हूँ। शिवलिंग एक ऐसा स्थान है जिस पे आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, नारायण का पूजन कर सकते हैं। तो शिवलिंग में जो है कभी कभी देखते हैं कि आपको बताया जाता है कि आप कमल का पुष्प चढ़ाइए, कभी कभी ये भी बताया जाता है कि कमलगट्टी के पानी चढ़ाइए, कमलगट्टी की माला चढ़ाइए। तो ये सारी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होती है, तो ये असल में ये चीज़ें लक्ष्मी के निमित्त होती हैं और लक्ष्मी कृपा दिलाने वाली होती हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना चाहिए कि तुलसी मंजरी हमेशा चतुर्थी तिथि में जब चढ़ाने वाली तिथि आती है, वो भी मैं आपको बता दूंगी कब चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है किसी अन्य वीडियो में, तो वो भी आप जानकर अच्छी तरह से तो ही कोई उपाय करना चाहिए। अब अगला काम क्या करना है दोस्तों, तो घर में शिवलिंग हम सभी रखते हैं और रखना भी चाहिए, लेकिन गलती से जैसे कि अभिषेक किया हुआ पानी जो हमारी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें उस पानी का, तो हम क्या करते हैं, हमें सबसे पवित्र पौधा घर में तुलसी का लगता है उसमें डाल देते हैं। तो गलती से तुलसी में डालना तो छोड़िए दोस्तों, तुलसी पत्र से भी वो पानी, वो जल जो आपने शिव जी को अभिषेक किया, वो स्पर्श नहीं होना चाहिए। तुलसी पत्र वाला जल हो या फिर तुलसी पत्र का गमला हो, शिव जी को नहलाया हुआ उनका किया हुआ पानी कभी भी तुलसी से स्पर्श न कराए, इस चीज़ का ध्यान रखें। तुलसी माला से भी स्पर्श न कराए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि दोस्तों देखिए श्रावण का महीना चल रहा है, आप सभी अपने तरीके से बहुत सारे भक्त इस नियम का पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अभी भी इन नियमों को नहीं मानते हैं। तो अब आप एक चीज़ समझ जाइए कि नियमों को नहीं मानना ही जीवन की सबसे बड़ी दुविधा है, सबसे बड़ी जो संकट को निमंत्रण देना होता है। होता क्या है कि जब तक हमारा समय अच्छा चलता है हम कुछ नहीं मानते, हमें लगता है कि हमारा समय अच्छा चल रहा है तो हम मांसाहार करें, मदिरा पान करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल, मैं दावे के साथ कहती हूँ, प्रभाव पड़ता है। चाहे आप कितनी भी बड़ी और ऊंची कुंडली लेकर आए हैं, प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। कुछ हमारी बहनें बताती हैं हमको फ़ोन के माध्यम से कि हमारे हस्बैंड पहले बिल्कुल इस तरह की बातों को नहीं मानते थे दीदी, और आज हम दर दर के, आप विश्वास नहीं मानेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, वो लोग भी आज पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा गाड़ी हुआ करती थी, 100-200 वर्कर जिनके अधीन हुआ करते थे, जिनके यहाँ नौकरी करते थे, आज वो स्वयं के खाने के लिए परेशान है। तो ये क्या है, ये अनर्थ है, अनर्गल है, जो कि हमसे हो जाता है। तो मैं मोटे शब्दों में कह रही हूँ कि यदि आप सावन में किसी भी तरह से मदिरा पान करते हैं, क्योंकि हमारी बहनें तो बहुत कोशिश करती हैं अपने पतिदेव लोग को छुड़ाने की, लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं, और आप यदि ऐसा करते हैं तो मान जाइए, सुन लीजिए, क्योंकि परिस्थितियाँ तो बड़े से बड़े को सुधार के रख देती हैं। तो आप इस बात को सुनिए, और मैं कठोर आवाज़ में कह रही हूँ, इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सभी का भला। कुछ लोग इस तरह की भी दलील देते हैं कि हम जो है मारते नहीं हैं उन जीवों को, इसलिए हम खा सकते हैं। आप एक चीज़ समझिए, आप खाते हैं तो ही मारा जाता है उन्हें, यदि आप खाना छोड़ दें उनका उनको मारना भी छूट जाएगा। इसलिए स्वयं को ऐसा ना सोचिए कि आप निर्दोष हैं। अब अगली चीज़ बताती हूँ आपको कि अगला क्या करना है।
तो देखिए, शिवलिंग पे आपने को मैंने बताया कि तुलसी पत्ते में पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। एक और नियम है दोस्तों जो कि शास्त्रोक्त है, आप सभी को सबने बताया होगा, बैंगन मत खाइए। लेकिन मैं निचोड़ बताती हूँ बैंगन क्यों मत खाइए। देखिए, बैंगन में कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो हमें दिखाई तक नहीं देते हैं, और इस मौसम में जबकि बारिश है, आप जानते हैं कि इस मौसम में जो पीने वाला पानी है होता है उसमें भी गंदगी बहुत ज़्यादा भर जाती है। और मैं उनकी बात नहीं करूँ जो आरओ वगैरह की पानी पीते हैं, मैं उनकी बात करूँ जो सन सामान्य है और जो साधारण पानी आता है नीचे से नल जमीन से निकलता है उसकी बात में करें तो उसमें भी ज़्यादातर गंदगी होती है। और जो भी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उसके ऊपर इतने छोटे कृमि चिपके होते हैं, मतलब कीटाणु चिपके होते हैं जो हमारी नज़रों से भी बच जाते हैं। और बैंगन की बात कहूँ तो देखिए, बैंगन जो है तामसिक माना जाता है, माना इसलिए जाता है कि उसमें कीड़े इतने छोटे होते हैं कि कभी कभी हमारी नज़र के पकड़ में भी नहीं आते हैं। तो इसलिए बैंगन इस महीने में आप अवॉइड करें, बिल्कुल भी बैंगन सावन के महीने में ना खाएं। पत्ते वाली सब्जियां भी नहीं खाई जाती हैं, कारण मैंने बताया, यही इसका कारण है। बाकी बैंगन वैसा कोई दोष नहीं है कि आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन हाँ वही चीज़ें हैं, कीड़े दिखेंगे नहीं, हमारे पेट में जाएंगे। और जो हम पूजा आराधना कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई सावन में किसी न किसी अनुष्ठान को लेकर बैठा हुआ, तो उसके भंग होने की पूरी पूरी जो होती है गुंजाइश होती है कि वो भंग हो जाएगा। इसलिए साफ शब्दों में उन चीज़ों को मना किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का संदेह हो, तो इससे उसको समझिए। और ये चीज़ें ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी जो है हम तेल से अभिषेक करते हैं, कभी कभी तुलसी का जल जो है शिवलिंग का जल जो है तुलसी में डाल देते हैं, ये इतने बड़े पाप कर्म हैं कि हम तो छोड़िए, हमारे आने वाली जो पुश्ते होती हैं उन्हें भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे और बताती हूँ, जैसे कि हमने कई घरों में जब मंदिर के बारे में देखा, पूछा, फोटो मांगी, तो जो लोग बताए शिवलिंग और शंख एक पास रखा हुआ था। ये तो कहीं भी नियम नहीं बनता है, शिव जी चाह करके भी कृपा नहीं बरसा पाएंगे ऐसे भक्त पे। अब मैं कारण बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आप सभी जानते हैं कि शंखचूड़ राक्षस का शिवजी ने वध किया था, तभी से शंख वर्जित है शिव पूजा में। और जब आप शिवलिंग रखे हैं तो थोड़ी सी दूर पे, वैसे घर के मंदिर में बहुत दोष नहीं लगता, शिवलिंग और शंख दोनों ही रखे जाती है, लेकिन एक पर्याप्त दूरी बनाने के पश्चात ही शिवलिंग और शंख रखा जाता है। शिवलिंग कोशिश करें कि शंख माँ लक्ष्मी और नारायण के समीप रखें, और शिवलिंग जहाँ पे आपने शिव परिवार की फोटो रखी है, मूर्ति रखी है, उधर रखें, या फिर जहाँ गणेश जी आप रखें। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप तो कहेंगे कि भगवान भोलेनाथ सब कुछ माफ़ करते हैं, क्योंकि आप भी इस चीज़ को कहेंगे, लेकिन मैं बताती हूँ कि साक्षात लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, शिव पुराण पढ़ते होंगे तो आपको पता है, हजारों गौ हत्या का पाप लगता है यदि शिवलिंग का स्पर्श जो है वो शंख से हो जाता है तो, या फिर शंख का जल यदि हम महादेव पे चढ़ाते हैं तो गौ हत्या के समान पाप लगता है। और आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में गौ हत्या को कितना बड़ा पाप माना जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह की दलील मत दीजिएगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ठोस हैं, तो इन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ये तो आप जानते भी होंगे कि शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ प्रसाद कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रसाद होता है वो भगवान भोलेनाथ के पास एक राक्षस रहता है जिसका नाम चंडेश्वर है, वो उसका अंश होता है, वो भगवान भोलेनाथ से वो जो है कि वरदान प्राप्त कर चुका है चंडेश्वर की, जो भी आपके ऊपर चढ़ेगा प्रसाद वो मेरा अंश होगा। तो बस इसलिए शिवलिंग के पास ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण तो नहीं करना चाहिए। लेकिन एक गलतियां जो कर देते हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ। थाली में हम प्रसाद ले जाते हैं और शिवलिंग से स्पर्श करा देते हैं और सोचते हैं कि ऊपर थोड़ी न चढ़ा, स्पर्श भी न कराएं, क्योंकि किसी भी देवता की मूर्ति से, फोटो से या शिवलिंग से स्पर्श कराया हुआ प्रसाद जो है वो उसी का अंश माना जाता है। तो उठा करके चीज़ें जो है चढ़ा दें, थाली में जो प्रसाद भोग ले जाते हैं वो चढ़ा दें, और जो थाली का बचा हुआ हिस्सा है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो में क्या सुधार की ज़रूरत है, कैसी लग रही है, क्योंकि इस तरह की जानकारियां जो है मैं बहुत मेहनत के बाद, और बहुत मतलब एक चीज़ बता दूं आपको कि बहुत चीज़ें देखने के, सुनने के, परखने के बाद इस तरह की जानकारियां लाती हूं। तो ये भी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ, धन्यवाद।